हेलो मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं जी? आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं बना रही थी आज रेसिपी अचार गोश्त की, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने बहन भाइयों से शेयर करूँ ये रेसिपी। तो ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और अपना गोश्त, इसके अंदर 1 किलो के जितना मेरा गोश्त था मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हाँ, ये जो मैं चावलों के लिए टमाटर काटे हुए हैं, और ये मैंने अचार गोश्त के लिए काटे हुए, ये 3 अदर टमाटर थे। और इसमें से 1/2 कप हम जो है मैं दही यूज़ करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट तो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, और मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर पैकेट मसाला। तो बस झटपट से करेंगे अचार गोश्त को रेडी, और फिर आपसे शेयर करते रहेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ जाते जाते लाइक भी किया करें। जो लोग वीडियो वॉच करते हैं तो लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट्स भी किया करें। तो बस साथ बने रहिएगा, देखते हैं कि हमारा अचार गोश्त किस तरह से रेडी होता है। तो यहाँ पर देखिए गोश्त मेरा जो है भून चुका है अदरक लहसुन में, देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है। मजीद इसकी करेंगे हम बनाई, और फिर हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे, और हम इसका थोड़ा सा मसाला जो है वो बचाएंगे, क्योंकि हम जो है थोड़ा सा मसाला इन मिर्चों में भरेंगे। तो ये लहसुन भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और ये किस तरह से तैयार करेंगे ये भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और इसको हम अदरक को भी कट करेंगे, जुलियन कट करेंगे इसका। तो बस देखते हैं आगे क्या हो करते हैं, तो वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना मसाला जो है इसके अंदर ऐड कर दिया था। मसाला मेरा हल्का फुल्का सब भुन चुका है, और हम लोग ये मैंने जो 3 अदर टमाटर काटे थे तो वो भी इसमें हम शामिल करेंगे, ताकि ये भी इसके साथ सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए। ये बनेगा जी हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त का सालन, और साथ ही बच्चों के लिए भी जो है राइस बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखे टमाटर भी मेरे अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो बस हम इसी स्टेज पे अपना दही भी ऐड कर देंगे, ताकि ये भी जो है इसके अंदर शामिल होके। तो दही को हम थोड़ा सा रोकेंगे, देखेंगे। तो बस इतना ही हमें दही इसके अंदर ऐड करना था। तो बस अब इसकी हम बनाई करते हैं। तो आप यकीन करिए ये बड़ा मज़े का बनता है अचार गोश्त। बच्चों की फरमाइश थी कि मामा कितने दिन हो गए आपने अचार गोश्त नहीं बनाया, तो मैंने फिर सोचा चले बच्चे घर पर हैं, और छुट्टियां भी वैसे लास्ट ही रह चुकी हैं बच्चों की। 15 तारीख से बच्चों के स्कूल जो है वापस से खुल रहे हैं, खुलने तो 1 को थे, 1 अगस्त को, लेकिन नहीं खुले हैं क्योंकि वो बारिशें हो रही थी, बारिशों की वजह से जो है नहीं स्कूल ओपन किए। तो 15 तारीख का टाइम दे दिया स्कूल वालों ने। तो बस मैं गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह लेने के लिए, वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो सारी किताबें यूनिफॉर्म सब लेकर आ चुके हैं हम लोग इनके, तो ताकि बच्चे जो है वो स्कूल जा सके। वैसे तो ट्यूशन इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, बस बच्चे भी अभी आप बिलीव करें घर में रह रहे कि बहुत बोर हो चुके हैं, बस घर से निकलना चाह रहे हैं। तो बच्चे बड़े खुश हो गए थे, फर्स्ट आई है तो स्कूल जाएंगे, तो फिर स्कूल की डेट आगे बढ़ गई है। तो चले बस इसको अभी जो है पकने के लिए छोड़ते हैं। तो जैसे ही ये थोड़ी सी दही में भुन जाएगा, तो फिर हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि जिसमें हमारा जो गोश है वो अच्छे से गल जाए और मज़ेदार सा तैयार हो जाए। तो मेरे साथ बने रहिए, आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें और सपोर्ट करें प्लीज़। आपके सपोर्ट की और साथ की हमेशा ज़रूरत रहती है, और हमेशा आप लोग सब लोगों से कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। यहाँ पर देखें आप, तेल मेरा ऊपर आ चुका है, मसाला भी भुन चुका है, बस अब इसमें मैं पानी शामिल करके इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये मैंने इसके अंदर अपना लेमन शामिल करके पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये देखें मिर्चें मैंने इस तरह से अंदर से कट लगा दी है, तो बस ये मसाला जो है हम अब इन मिर्चों में जो है वो भर देंगे। तो
ताकि हमारी अच्छी सी मिर्ची जो है बिल्कुल रेडी हो जाए। तो मसाला भर के फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, मैंने अपनी मिर्चों के अंदर मसाला अच्छे से जो है वो भर दिया है, और अपनी अदरक भी देखिए मैंने काट के रख दी है, बहुत छोटी छोटी सी पत्ती पत्ती सी काटी है। तो बस ये तैयार है, नींबू और मसाला मैंने डाला था, वो मिर्ची मैंने भर दी थी। प्लीज़ आप इस तरह से मिर्ची भर के सालन बनाइएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, हमारे यमी यमी सा अचार गोश्त का सालन रेडी हो चुका था। तो थोड़ा सा जैसे ही पानी खुश्क होने लगा तो मैंने इसमें देखिए हरी मिर्ची भी डाल दी थी, थोड़ा सा अदरक डाला है, थोड़ा सा मैंने बचा लिया, मैं इसको गार्निश करूँगी। तो देखें कितना मज़ेदार सा हमारा तैयार हो गया है अचार गोश्त का सालन। तो बस इसे डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा अचार गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है, और ये देखिए मैंने जो मिर्ची डाली थी कितनी खूबसूरत सी लग रही है। तो बताइएगा आज की मेरी शेयरिंग आपको कैसी लगी और मेरी रेसिपी कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाते जाते लाइक भी करते जाइएगा। तो ये देखिए मैंने अपना अचार गोश्त का सालन डिश आउट कर लिया है। तो कैसा लग रहा है, बहुत यमी यमी सा लग रहा है, यकीनन खाने में भी इतना ही टेस्टी है। तो प्लीज़ इसी तरह से आप भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा जिस तरह मैंने आपको बताई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेड बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और प्लीज़ आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की शेयरिंग आपको कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।